हे गाइज हाई वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं शाइनी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय अपडेटेड हेयर केयर रूटीन 2021 में मैं कौन सा हेयर केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ सब कुछ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब टू माई चैनल सो लेट्स गेट इन द वीडियो सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो हेयर केयर रूटीन है ना वो हमेशा चेंज होता रहता है मंथ टू मंथ क्योंकि मैं हर महीने uh, नए प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करती हूँ लेकिन uh, जो एम होता है मेरा जो प्रोडक्ट के वीडियो में मैं शेयर करती हूँ उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि मैं शैम्पूस कंडीशनर्स चेंज करती रहती हूँ हेयर ऑयल्स भी काफी सारे मैं इस्तेमाल करती हूँ बट ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज अयर एंड आई हैव अपडेटेड हेयर केयर रूटीन क्योंकि अभी वेदर भी चेंज हो रहा है और यू नो आई हैव टू ट्राई न्यू है ताकि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर पाऊंगी हर रेंज के प्रोडक्ट्स क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स भी मेरे वीडियोस को देखते हैं सो दे वांट बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एज वेल कुछ दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा हेयर प्रॉब्लम फेस कर रही थी हेयर फॉल हो रहे थे डैंड्रफ प्रॉब्लम हेयर ब्रिकेज भी हो रहा था फिर मैं बी बॉडी वाइज के वेबसाइट पर गई एंड आई सॉ दैट आई कैन कंसल्ट अ डॉक्टर जो मुझे डीआईवाई सजेस्ट कर सकते हैं मेरे हेयर रिलेटेड और स्किन रिलेटेड इशूज़ के लिए प्रोडक्ट भी सजेस्ट कर सकते हैं सो so, डॉक्टर शोभिता आनंद सजेस्टेड मी दिस हेयर किट जिसमें हेयर ऑयल हेयर शैम्पू हेयर कंडीशनर के साथ साथ हेयर सीरम भी है और ये किट बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है सो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करना जरूरी है क्योंकि टीनेजर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये काफी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस क्योंकि मैंने लगातार उसे uh, सो, सोलह या सत्रह दिन हो गए हैं मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ इनफैक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ट्वेंटी से क्योंकि उनके प्रोडक्ट काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे सबसे पहले आपको अप्लाई करना है ये हेयर नरिश ऑयल जिसमें अनियन कैस्टर ऑलिव ऑयल के साथ साथ आंवला ऑयल भी है हेयर को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को इंड्यूस करता है हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है और ये बहुत ही ज़्यादा नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है और पैकेजिंग में भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनफैक्ट बॉटल में भी ये सारे इंस्ट्रक्शनस है इसको आप नाइट में इस्तेमाल करें या मॉर्निंग में इस्तेमाल करें कितना क्वान्टिटी लेना चाहिए वंस इन अ वीक या टू ट्वाइस अ वीक सो सब कुछ दिया गया है पंप सिस्टम में आता है सो दिस इज रियली यूजर फ्रेंडली ऑल्सो सो ये आइडियली आपको रात को इस्तेमाल करना है मैं क्या करती हूँ मैं ओवरनाइट इसे रख देती हूँ तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है और आप इसे हफ्ते में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जस्ट थ्री टी लेना है और इसे हल्के हाथों से मसाज करना है स्कैल्प पर अपने हेयर लेंथ पर ये ट्राइकोलॉजिस्ट द्वारा डेवलप्ड है क्लिनिकली प्रोवन इन्ग्रीडियंट्स है और आपको थ्री मंथ्स तो इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा इसका जो इफेक्ट है उसको उसको देखने के लिए इसके अंदर अनियन ऑयल है जो हेयर रीग्रोथ को प्रमोट करता है कैस्टर ऑयल आप सबको पता है कि हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑलिव ऑयल है जो स्पीट एंड्स को रिड्यूस करता है तो मुझे ओवरऑल इसकी पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस बॉटल में भी और पैकेट में दिया गया है नेक्स्ट आपको इस्तेमाल करना है हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू जिसके अंदर कैरेटिन बायोटिन विटामिन बी थ्री विटामिन बी फाइव है कैरेटिन हेयर शाइन रिस्टोरेशन के लिए अच्छा है बायोटिन हेयर फोर्टिफिकेशन के लिए अच्छा है विटामिन बी थ्री स्कैल्प को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और विटामिन बी फाइव हेयर को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है सो so, ओवरऑल ये हेयर को स्ट्रेंदन करता है प्रिवेंट करता है हेयर फॉल को और स्कैल्प को भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये है टू फिफ्टी का बॉटल जो आप अगर इंडिविजुअली परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको फोर में मिल जाएगा और ऑल द प्रोडक्ट्स आर मेड इन इंडिया ऑल्सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है बॉटल में भी और आप ना अपने हेयर को जब सुखाएंगे ड्राई करेंगे उस टाइम हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना थोड़ा सा अवॉइड करें क्योंकि हेयर ड्रायर से हेयर ब्रीकेज ज्यादा होता है हेयर भी फ्रिजी हो जाते हैं इसका टेक्स्चर भी आप देख सकते हैं काफी थिक टेक्सचर है इसकी विच इज रियली गुड और आप इसे कूल एंड ड्राई प्लेस पर रूम टेम्परेचर में ही स्टोर कीजिए सनलाइट में भी मत स्टोर कीजिए और फ्रीजर में भी मत स्टोर कीजिए इसे अगर आप इन प्रोडक्ट्स को मतलब ऑयल शैम्पू कंडीशनर सीरम किसी भी ब्रांड से परचेस करेंगे तो आपको 1500 से ज़्यादा रुपये खर्च करना पड़ेगा बट आई रिसिव्ड दिस होल हेयर किट ओनली फॉर रुपीज फिफ्टीन और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आई मस्ट से आपको एक बार जरूर इसे ट्राई करना चाहिए इसको जस्ट आपको टू टीस्पून चाहिए और अपने हेयर लेंथ पर अप्लाई कीजिए स्कैल्प पर मत अप्लाई कीजिए इसे टू टू थ्री मिनट्स के लिए जस्ट छोड़ दीजिए वैसे ही ताकि ये आपके हेयर स्ट्रैंड को अच्छे से मॉइस्चराइज और कंडीशन कर सके एंड फिर वॉश ऑफ विथ नॉर्मल वाटर मॉर्निंग में इसे इस्तेमाल कीजिए और वीक में थ्री टाइम्स आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर है सिल्क प्रोटीन बैटे नायसिनमाइशिया बटर जो डैमेज को रिकवर करता है डीप कंडीशन करता है हेयर को और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है हेयर को इसके अंदर सिल्क प्रोटीन है जो हेयर स्मूदनिंग के लिए अच्छा है बायोटिन हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है ना हेयर के जो मॉइस्चर मौस्ट्र मॉइस्चर है उसको लॉक करता है और शिया बटर तो आप सबको पता है कि डीप कंडीशनिंग के लिए कितना अच्छा है मैं जिस तरीके से हर एक स्ट्रैंड्स पर कंडीशनर को अप्लाई कर रही हूँ आप ट्राई कीजिएगा इसी तरीके से अप्लाई करने की और अपने एंड्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है ये हेयर स्ट्रेनिंग सीरम जिसमें है आर्गन ऑयल ऑलिव ऑयल सनफ्लावर ऑयल जो आपके हेयर में एक नेचुरल शाइन ऐड करता है डैमेज से प्रोटेक्शन देता है और फ्रीजीनेस को भी दूर करता है ये बहुत ही लाइट वेट और नॉन स्टिकी एक सीरम है इसे आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करें आपके शैम्पू और कंडीशनरिंग के बाद जब सेमी ड्राई हो गए हैं हेयर फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसे आप थ्री टाइम्स अ वीक इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप इसे अपने स्कैल्प पर ना इस्तेमाल करें सिर्फ अपने हेयर लेंथ पर इस्तेमाल करें आप इसे चाहते हैं तो किसी भी हेयर स्टाइलिंग टूल का इस्तेमाल करने से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि स्ट्रेटनर या कर्लर और इसमें यह पंप सिस्टम है ताकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है इस्तेमाल करना इसे जस्ट वन टीस्पून चाहिए और बस ये इजीली आपके हेयर को सॉफ्ट सिल्की एंड शाइनी भी बनाता है मैं हमेशा इसे कहीं पर बाहर जाने से पहले अप्लाई करना पसंद करती हूँ क्योंकि ये हेयर को काफ़ी ज़्यादा फ्रिज़ फ्री और मैनेजेबल बनाता है दैट्स वाई आर्गन ऑयल फ्रिज को कंट्रोल करता है सनफ्लावर ऑयल हीट से प्रोटेक्शन देता है और ऑलिव ऑयल मॉइस्चराइजेशन करता है सो so इसी वजह से आप इसे किसी भी हीटिंग टूल इस्तेमाल करने से पहले अपने हेयर पर अच्छे से अप्लाई करेंगे तो हेयर काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहता है ऑल्सो द प्रोडक्ट आर पैराबिन फ्री हार्श एंड हार्मुल केमिकल्स फ्री ऑल द प्रोडक्ट कैन बी यूज बाय मेन वुमेन एंड टीनेजर्स सो मेरा जो हेयर केयर रूटीन है वो मैंने शेयर किया है ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम शैंपू कंडीशनर एंड देन सीरम सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो जो भी प्रोडक्ट्स के लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मैंने पर्सनली इनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके मुझे अच्छा लगा दैट्स वाई मुझे लगा आप लोगों के साथ मेरा जो अपडेटेड हेयर केयर रूटीन है वो मैं शेयर करूंगी दैट्स ऑल सो यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना फॉर द प्रोडक्ट लिंक्स आज के लिए इतना ही स्टी ब्लेस्टिंग है